अब आपको गुर्दे में और पित्त में पथरी यानी किडनी स्टोन या गैल ब्लैडर स्टोन होने पर नहीं है घबराने की जरूरत। शहर हैदराबाद में सालों से इस इलाज के लिए खानदानी सिलसिले से चला आ रहा है भरोसेमंद नाम RS यूनानी फार्मेसी। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं मोहम्मद शरफुद्दीन, आप देख रहे हैं सच न्यूज़ टीवी। आइए नजर डालते हैं हैदराबाद न्यूज एक्सप्रेस की पहली खबर पर। जुमेरात 15 फेब को दिल्ली चलो मार्च में हिस्सा लेने वाले चंद नौजवान किसानों ने हुकूमत के तैनात ड्रोन को तबाह करने के लिए पतंगे उड़ाई। हरियाणा पुलिस उन ड्रोन का इस्तेमाल अम्बाला के करीब शंभू बॉर्डर पर एहतजाज करने वाले किसानों पर आंसू गैस के गोले छोड़ने के लिए कर रहे हैं। नौजवान किसानों में से एक नौजवान ने कहा कि हम ड्रोन को तबाह करने के लिए जो है पतंगे उड़ा रहे हैं। किसान की आमदनी को दुगना करने से लेकर काला धन वापस लाने तक कांग्रेस लीडर राहुल गांधी ने वजीर आजम नरेंद्र मोदी पर ताजा हमला करते हुए इल्जाम लगाया कि पीएम हर साल मुल्क में 2 करोड़ नौजवानों को नौकरियां फराहम करने में नाकाम रहे हैं। मोदी जी, नए जमानतों से पहले पुराने जमानतों का हिसाब दीजिए, इस तरह से राहुल गांधी ने कहा। तेलंगाना चीफ मिनिस्टर ए रेवन रेड्डी ने आज 14 फेब को LB स्टेडियम में मुनक्किदा एक तकरीब में न्यूली अपॉइंटेड पुलिस कांस्टेबल को अपॉइंटमेंट लेटर्स तकसीम किए। तेलंगाना बीजेपी MLA धनपल सूर्या नारायणा ने मुतालिबा किया कि तेलंगाना के दारुल हुकूमत हैदराबाद का नाम निजामबाद, आदिलाबाद और वरंगल के नामों के साथ तब्दील किया जाए। निजामबाद अर्बन असेंबली सीट से बीजेपी MLA ने जुमेरात 15 फेब को रियासती असेंबली में ये मुतालिबा किया। BRS पार्टी ने 17 फेब हफ्ते को अपने पार्टी के सुप्रीमो के चंद्रशेखर राव की 70वीं सालगिरह के मौके पर रियासत में तकरीबन 1000 ऑटो ड्राइवरों को एक्सीडेंट इंश्योरेंस गिफ्ट में देने का मंसूबा बनाया है। पार्टी के लीडर टी साई किरण ने बताया कि इंश्योरेंस सालाना 1 लाख रुपए का होगा। इसके साथ साथ BRS जिस्मानी तौर पर मजदूर अफराद को व्हील चेयर भी गिफ्ट करेगी। BRS लीडर हरीश राव ने कहा कि वो तेलंगाना के वजीर आला बनने के लिए तैयार है। अगर रेवंत रेड्डी नहीं कर सकते हैं तो मेडीगड्डा की मरम्मत। रेवंत रेड्डी के इस बयान पर के मेडीगड्डा ब्रिज मरम्मत से बाहर है। हरीश राव ने कहा कि इंजीनियर्स के मुताबिक ये मुकम्मल तौर पर मुमकिन है। तेलंगाना मिनिस्टर कोमर रेड्डी वेंकट रेड्डी ने अपने रिमार्क्स में कहा कि सीनियर BRS लीडर टी हरीश राव साबिक चीफ मिनिस्टर KCR की पीठ पर छुरा भोंकने का मंसूबा बना रहे हैं और चीफ मिनिस्टर बनने का मंसूबा बना रहे हैं। बीजेपी क़यादत ने आखिरकार निर्मल के MLA अली टी महेश्वर रेड्डी को लेजिस्लेटिव पार्टी लीडर यानि BJP फ्लोर लीडर के तौर पर नामजद किया है। इसके अलावा आदिलाबाद MLA पायल शंकर और कामा रेड्डी MLA के वेंकटा रमना रेड्डी को डिप्टी फ्लोर लीडर मुकर्रर किया गया है। BRS पार्टी ने जुमेरात को वड्डी राजू रविचंद्रा को आइंदा राज्यसभा इंतखाबात के लिए अपना उम्मीदवार नामजद करने का ऐलान किया है। उन्होंने मजीद कहा कि रविचंद्रा KCR की हिदायत के मुताबिक 15 फेब जुम्मे को अपना नॉमिनेशन दाखिल करेंगे। हैदराबाद नया वैलेंटाइन कैपिटल है, सिंपल रिपोर्ट ऐसा कहती है। हैदराबाद की बात यह है कि अहमदाबाद, पुणे और यहाँ तक के हैदराबाद नए वैलेंटाइन कैपिटल बन गया है, जिसमें हमारे शहर की क़यादत है। तीनों शहरों ने ऑनलाइन ट्रांजैक्शन में 100% से ज़्यादा इजाफा रिकॉर्ड किया है। जैसे कि चारशंबे को जारी करदा सिंपल चेक आउट स्कैन रिपोर्ट से ये जाहिर हुआ है। अब आपको गुर्दे में और पित्त में पथरी यानी किडनी स्टोन या गैल ब्लैडर स्टोन होने पर नहीं है घबराने की जरूरत। शहर हैदराबाद में सालों से इस इलाज के लिए खानदानी सिलसिले से चला आ रहा है भरोसेमंद नाम RS यूनानी फार्मेसी, जहां पर खास तौर पर पित्त में मौजूद पथरी और दोबारा पथरी ना होने का किया जाता है मुकम्मल इलाज। आपको इस दर्द से हमेशा के लिए मिल जाएगा छुटकारा। नो साइड इफेक्ट्स, नो ऑपरेशन, तशखीश करते हुए दवाई की जाती है फराहम, तो देर ना करें, जल्द ही तशरीफ लाए RS यूनानी फार्मेसी, बहादुरपुरा एक्स रोड अपोजिट केनारा बैंक, हैदराबाद। मजीद तफसीलात के लिए रब्त करें 9390610436 पर।